मित्रों, कविता मंजरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता, आह धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उद्री लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यों ही उंगली से सहलाकर, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हूँ। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। निर्निमेश क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे, मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझें चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झंड झुंड झिलमिलकर कचपचिया तारों सी।
आह, इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम घर घर में पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। मित्रों, आह धरती कितना देती है कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने धरती के उस रूप का वर्णन किया है जो संपूर्ण जीवन का आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार धरती पर डाले गए एक बीज से पूरे का पूरा वंश उपजता है और बढ़ता चला जाता है। प्रकृति के इस रूप को कवि ने जीवन से जोड़ते हुए दर्शाया है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल उगेगी। इसके लिए उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण भी दिया कि पैसा बोने की कल्पना बच्चे अक्सर करते हैं, परंतु पैसे बोने से वो बढ़ते नहीं। मित्रों, हम सब के बचपन की कहानी अलग अलग होती है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने तो अपने बचपन की एक कहानी को कविता के माध्यम से हमें बता दिया। अब आप भी अपने बचपन की कोई ऐसी मजेदार कहानी जो कविता को व्यक्त करती हो को नई कविता का रूप दीजिए अथवा चित्रण कीजिए।